हेलो क्लास 8, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी का एसएसटी में ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेज इम्पोर्टेंस एंड यूजेज। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, उनकी इम्पोर्टेंस और उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ओके, स्टूडेंट विल नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इन संसाधन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रिसोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग वेरियस रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इन संसाधनों को किस तरीके से संरक्षित रखा जा सकता है ये समझेंगे, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों के महत्व के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द सब्सटेंसेज प्रोवाइडेड बाय नेचर विच सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स एंड आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज अ रिसोर्सेज। जो पदार्थ नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अब हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आर यूज्ड बाय अस, हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं, यानी संसाधन कहते हैं। द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, वो हैं एयर, हवा, वाटर, पानी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, सॉयल, मिट्टी एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड दे हैव यूटिलाइज्ड दैम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये क्या है, आदमी के लिए, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और आदमी इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू। इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका वेस्टेज भी होता है, यानी ये ख़राब भी होते हैं। बट विद टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, लेकिन समय के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, विकसित हो रही है। मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड, आधुनिक और नवीन तरीके डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड, और जो बर्बादी है इन संसाधनों की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व्स बट इट हैज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। नेचर में यानी प्रकृति में इनका संरक्षण, ये जो रिसोर्सेज हैं इनका संरक्षण प्रचुर मात्रा में है। बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये एक आदमी की स्किल है, विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, कि वो क्या करे, इनका और ज़्यादा डेवलपमेंट करे और इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से इनको अच्छे से उपयोग करे। यानी इन रिसोर्सेज की वैसे मात्रा तो बहुत है प्रकृति में, लेकिन आदमी को अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए इन्हें बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इनको और ज़्यादा आगे डेवलप भी करना है और इन्हें आर्थिक रूप से अच्छे तरीके से सही से इनका इस्तेमाल भी करना है। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। प्राचीन समय में या बहुत पहले लोगों ने इन रिसोर्सेज का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल, और इनका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लिया। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने पेड़ों का इस्तेमाल लकड़ी के लिए करना शुरू किया। ऑन सॉयल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, और मिट्टी में उन्होंने फसल उगाने शुरू कर दी भोजन के लिए, यानी फूड के लिए, खाने की चीज़ों के लिए उन्होंने मिट्टी में फसल उगाना शुरू कर दिया। एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, और बाद में उन्होंने धीरे धीरे खनिज पदार्थों को निकालना भी शुरू कर दिया। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ सदियों से दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, उन्होंने मशीनें बनाई और फिर अपनी चीज़ें बनाना भी शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर, उन्होंने प्रकृति से संपत्ति बनाना शुरू कर दिया है, यानी प्राकृतिक चीज़ों से संपत्ति बनाना शुरू कर दिया है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ अ रिसोर्स। वैसे हम ये बात मानते हैं या इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो भी चीज़ आदमी की नीड्स को पूरा करता है, आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो रिसोर्स होता है, वो संसाधन होता है। लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज, चलिए अब हम ऐसे कुछ रिसोर्सेज के कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। सच एज वाटर, सबसे पहले जैसे कि पानी, विच नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, ये ना केवल अपनी हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी प्रोवाइड करवाता है।
विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ विंड, जो कि फॉलिंग वाटर, जो कि किससे क्रिएट होती है, फॉलिंग वाटर यानी गिरते हुए पानी से क्रिएट जनरेट होती है यानी बनती है। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स, विंड का यूज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है, किसके थ्रू, विंड मिल्स के थ्रू, ठीक है। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आदमी की ज़रूरत और आदमी का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंड सो इज नेचर बींग एक्सप्लॉयटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसकी वजह से प्रकृति जो है उसका आखिरी हद तक यानी एक बड़ी हद तक उसका शोषण हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक उसका शोषण कर रहा है आदमी, क्योंकि उसका लालच और उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमंस इज़ बाउंडलेस, आदमी की जो नॉलेज है और जो उसकी क्रिएटिविटी है वो बाउंडलेस है यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, आदमी बहुत ज़्यादा जानकार है और उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़ डैमेजिंग द एनवायरमेंट, लेकिन जो लालच का खतरा है वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड, नेचर का, प्रकृति का जो बैलेंस है हर चीज़ का प्रकृति में, वो भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज एंड मीन्स शुड बी कंसिडर टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, इसलिए हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज एंड मीन्स शुड बी कंसिडर, क्या करना चाहिए, कुछ वैकल्पिक अच्छे निश्चित विकल्प और मीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, शुड बी कंसिडर्ड, उन्हें विचारित किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जो नेचर का बैलेंस है उसे मेंटेन रखा जा सके और उसे सुरक्षित रखा जा सके, ऐसे कुछ अल्टरनेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का महत्व, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी रिसोर्स की कीमत उसकी वैल्यू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी भी रिसोर्स की जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे और एक समय से दूसरे समय में घटती बढ़ती रहती है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू। द काइंड ऑफ वैल्यू मे डिफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, जो वैल्यू होती है किसी भी रिसोर्स की उसका प्रकार एक रिसोर्स की तुलना में दूसरे का अलग होता है, ठीक है, यानी एक रिसोर्स का दूसरे से उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग होती है, दोनों एक बस समान नहीं होते, यानी अलग अलग रिसोर्सेज की अपनी अपनी वैल्यू है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, अगर एक रिसोर्स का आर्थिक महत्व है, एक संसाधन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वेयर एज द अदर वन मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू, तो दूसरा जो संसाधन होगा उसकी कलात्मक या फिर नेचुरल वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू, जो वाटरफॉल है उसका क्या है, कलात्मक महत्व है, बट वैन इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन जब इसका इस्तेमाल, वाटरफॉल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है, तब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाती है, यानी ये आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, यहाँ ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आर्थिक रूप से उनका महत्व बढ़ गया है समय के साथ साथ। अब हम देखते हैं आगे, द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी, दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी पदार्थ को संसाधन में बदल देते हैं, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, ये दोनों ही आदमी की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। देयर आइडियाज़, नॉलेज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, आदमी के विचार, उसकी नॉलेज, उसकी खोज और उसके जो आविष्कार हैं वो बहुत सारे नए रिसोर्सेज का क्रिएशन करने का कारण बनते हैं। नए नए रिसोर्सेज जो बनते हैं, पैदा होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, आदमी के आइडियाज़, उसकी नॉलेज, उसकी खोज और उसके आविष्कार की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। सिंस अर्ली डेज, पिछले निश्चित दिनों से, वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर, एक डिस्कवरी और आविष्कार, एक खोज और आविष्कार एक मोर क्रिएशन का कारण बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएशन उससे हो सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू कुकिंग प्रैक्टिस, जैसे कि
आपकी खोज से कुकिंग प्रैक्टिस हुई, यानी पकाना पकाने की कोशिश की गई। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ और उसका रिजल्ट हुआ कि आज के मॉडर्न टाइम में कितने सारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के वाहन हम देखते हैं, यातायात के साधन हम चलते हुए देख रहे हैं। हैंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बींग्स हु हैव आइडियाज़ नॉलेज एंड स्किल विच हैज़ लीड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हु हैव आइडियाज़, जो ह्यूमन बींग्स के आइडियाज़ हैं, उसकी नॉलेज है और उसकी स्किल है, जो क्या बनाता है, बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस करने को प्रेरित करता है आदमी को। ठीक है, आदमी की सोच, उसकी नॉलेज और उसकी जो स्किल है ना, वही उसे आगे नया डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित करती है, नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस करने के लिए प्रेरित करती है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तीन टाइप के रिसोर्सेज हैं। नंबर वन नेचुरल, नंबर टू ह्यूमन मेड, नंबर थ्री ह्यूमन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। लेट्स सी, प्राकृतिक संसाधन। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर वैल्यूएबल एंड फुलफिल आवर नीड्स इन वन वे और द अदर, सच एज लैंड, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और वैल्यूएबल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं एक तरीके से या फिर अदर, एक से ज़्यादा तरीकों से भी, जैसे कि लैंड है, एयर, वाटर, इन सबको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा में हम सांस लेते हैं। द सोयल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, मिट्टी जहाँ हम प्लांट्स उगाते हैं। द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। और पानी जो हमें हमारी झीलों में, तालाबों में, समुद्रों में और बाकी वाटर बॉडीज में मिलता है, वो एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल प्राकृतिक स्रोत है, संसाधन है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो रिसोर्स संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो इस तरीके से किया गया है, जैसे नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेज टू टाइप के हैं, नंबर वन एक्चुअल, नंबर टू पोटेंशियल। एक तो होता है वास्तविक और एक होता है संभावित। ठीक है, और ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप के हैं, नंबर वन बायोटिक और नंबर टू अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक और अबायोटिक मतलब अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर है नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। ठीक है, यानी उनका फिर से नवीनीकरण करना, दोबारा से एक संसाधन से दूसरा संसाधन तैयार हो सकना, इस आधार पर टू टाइप के हैं, नंबर वन रिन्यूएबल और नंबर टू नॉन रिन्यूएबल। एक तो वो जिनका दोबारा से नवीनीकरण किया जा सकता है और एक वो जिनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। फोर्थ एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके वितरण के आधार पर। एक तो है लोकलाइज्ड और एक है यूबिक्यूटस। ठीक है, तो इसके अंदर लोकलाइज्ड होता है सीमित और दूसरा क्या है सर्वव्यापी, यानी ये तो सीमित जगह पे मिलता है और ये हर जगह पे मिलता है उस टाइप से। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर वन फर्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनके विकास के आधार पर हम रिसोर्सेज को कैसे समझ सकते हैं। लेट्स सी, नंबर वन एक्चुअल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक स्रोत। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, सॉरी एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब वास्तविक रूप से जो संसाधन है, वास्तव में जो हैं उनके बारे में, कौन से रिसोर्सेज हैं वो, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में हम जानते हैं वो क्या हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यानी वो वास्तव में रिसोर्सेज हैं। फिर दे आर बींग एक्चुअली यूज इन द प्रेजेंट टाइम्स, उनका आज वर्तमान समय में एक्चुअल में यूज हो रहा है। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज आर, नंबर वन पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। नंबर टू रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉयल इन रॉयल रीजन ऑफ जर्मनी। नंबर थर्ड डार्क सोयल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। ये एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के, यानी ये वास्तव में ये रिसोर्सेज हैं और इनका वर्तमान में यूज़ हो रहा है।
अब हम देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी संभावित रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नॉन, उसका बिल्कुल अपोजिट है ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मात्रा के बारे में हम नहीं जानते एंड विच आर नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, और जिनका अभी प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। संभावित यानी उनकी सिर्फ संभावना है कि वहाँ पे ये रिसोर्सेज ये संसाधन हो सकते हैं लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं हैं पूरा। दे माइट नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, वो अभी प्रेजेंट में यूज़ नहीं किए जाते हैं लेकिन फ्यूचर में उनका यूज़ किया जा सकता है। एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी दैट एडवांस्ड, आज जो प्रेजेंट समय है उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है बट ग्रेजुअली विद टाइम दोज रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड कैन बी टर्न इनटू एक्चुअल रिसोर्सेज, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा समय के साथ साथ ये रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे और इनका इस्तेमाल होने लगेगा और ये भी एक्चुअल रिसोर्सेज में बदल जाएंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर, कुछ संभावित रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं जैसे द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, यूरेनियम का संरक्षण मिलता है कहाँ पे, लद्दाख में, जिसे ऐसा माना जाता है भी फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स, प्राचीन समय से हाई स्पीड विंड मिल्स का यूज़ एक अच्छा संभावित सोर्स था जिसे पुनर्निर्माण किया जा सकता है यानी रिन्यूएबल एनर्जी, दोबारा से नवीनकरणीय एनर्जी उससे प्राप्त की जा सकती थी एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स, जो पहले कभी पोटेंशियल रिसोर्स था वो आज एक एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नीदरलैंड्स, जो विंड फार्म्स हैं वो कहाँ पर डेवलप हुए हैं, नीदरलैंड में डेवलप हो चुके हैं। इन इंडिया दीज आर सेटअप इन नागरकोल इन तमिलनाडु एंड ऑन दी गुजरात कोस्ट, इंडिया में भी ये दो स्थानों पर तमिलनाडु और गुजरात कोस्ट में डेवलप सेटअप हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, सेकेंड टाइप जो अपना था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिन के आधार पर दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो बायोटिक और एक अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक। अब हम देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो किससे प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है, जो सजीव चीज़ों से प्राप्त होते हैं वो हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन श्रेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, बायोटिक रिसोर्सेज के, जो सजीव चीज़ें हैं जिनसे हमें सजीव चीज़ों से जो प्राप्त होते हैं जैसे प्लांट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एट्सेट्रा, फिश एंड अदर एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज, फिश और जो अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी सब बायोटिक रिसोर्सेज में ही आते हैं। अब हम देखते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, All the resources which we get from non-living beings are termed as abiotic resources. बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये किससे प्राप्त होते हैं, non-living beings से, ठीक है, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे जो resource प्राप्त होते हैं उन्हें abiotic resources कहते हैं। Example of abiotic resources are land, water, air, land, minerals, rocks, etc. जैसे ज़मीन, पानी, हवा, मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ, चट्टानें एट्सेट्रा। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ इन नेचर, इनमें से कुछ रिसोर्सेज एक लिमिटेड लिमिट मात्रा में प्रकृति में अवेलेबल हैं।